मुगल सराय में सिख समुदाय ने कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म में सिखों की छवि को गलत ढंग से प्रस्तुत कर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है, जो कि वास्तविकता से परे और अत्यंत निंदनीय है। इस विरोध में लगभग 250 से 300 पुरुष, वृद्ध, बच्चे, महिलाएं और अन्य समर्थक शामिल हुए, जिन्होंने फिल्म के खिलाफ अपनी भावनाओं का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया और गुरु ग्रंथ साहिब से मति भ्रष्ट कंगना रनौत को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए अरदास की गई। जहां सिख धर्म के वीर योद्धाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की सीमा पर अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे गुरुओं ने हिंदुत्व की रक्षा के साथ ही समाज और देश की सेवा के लिए अपार बलिदान दिया। ऐसे में यह अत्यंत दुखद और अपमानजनक है कि किसी द्वारा हमारे समुदाय के प्रति ऐसा गलत और असंवेदनशील चित्रण किया जा रहा है। यह हमारे ऐतिहासिक योगदान, बलिदान और सेवा का अपमान है। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म और कंगना रनौत के खिलाफ जोरदार नारे लगाए, जैसे अपमान सहेंगे नहीं, चुप बैठेंगे नहीं, फिल्म पर पाबंदी लगाओ, सिखों की भावनाओं बचाओ, धर्म की आड़ में नहीं सहेंगे व्यापार, इंसाफ का ऐलान हो, नहीं सहेंगे सिखों का अपमान और सिखों के मान सम्मान की रक्षा करो। सिख समाज इस फिल्म में किए गए गलत चित्रण की कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि इस फिल्म पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। हमारी भारत फिल्म सेंसर बोर्ड और सरकार से अपील है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिख समुदाय की भावनाओं की रक्षा करें और इस प्रकार के अपमानजनक और गलत चित्रण को रोकने के लिए उचित कदम उठाएं। आज गुरुद्वारा में विरोध प्रदर्शन हुआ था, क्या मामला था, पूरे मामले की जानकारी दें। जैसा कि कंगना रनौत द्वारा सिखों के प्रति आग उगलना और सिख के महापुरुषों को बेइज्जत करना, ये जहां पहले सरदारों को लोग एक बस में सरदार बैठा होता था तो लोग सुरक्षित समझते थे, आज कंगना रनौत के वर्जन से, उनके व्यवहार से पूरा सिख समुदाय दुखी है और इसलिए आज गुरुद्वारे में अरदास की गई कि भगवान उस बुद्धि भ्रष्ट आत्मा को सद्बुद्धि दे ताकि ऐसा बर्ताव किसी कौम के साथ न करें। आज गुरुद्वारा परिषद में विरोध प्रदर्शन था, क्या था पूरा मामला? कंगना रनौत ने जो पिक्चर इमरजेंसी बनाई है उसमें सरदारों के प्रति जो उसने कुछ दिखाया है वो गलत है, इसका हम लोगों ने विरोध किया है और सरकार से ये मांग करेंगे कि इस पिक्चर को रिलीज न होने दिया जाए। आज गुरुद्वारे में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, क्या मामला था, पूरा मामला बताएं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एक नई मूवी आ रही है इमरजेंसी मूवी, जिसमें सिखों के खिलाफ कुछ अपशब्द सीन्स हैं और कुछ जो बोला गया उनके बारे में वो अच्छा नहीं बोला गया, ये मैं याद कराना चाहूंगा कि जैसे बंगाल में जो हादसा हुआ तो लड़की के माता पिता ने बोला कि अगर वहां पर कोई सिख होता तो ऐसा शायद हादसा कभी होता ही नहीं। जब इतना सिखों के प्रति स्नेह है, सम्मान है, इस मूवी के मार्फत ये जो बताया जा रहा है ये अपमान हम लोग नहीं सह सकते और इसलिए इस मूवी का बहिष्कार किया जाना चाहिए, वो सीन्स को काट देना चाहिए, फिर चाहे वो रिलीज करें, बस इतना ही कहना चाहिए।